أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله دعوا به آخرين كي زمانا हमेशा कुरान ही से फैज पाएगा और मिटेगी जुल्मते सब और तारे जगमगाएगा। शायर ये कहता है कि तेरे जमीर पे जब तक न हो नुजूले किताब, तेरे जमीर पे जब तक न हो नुजूले किताब, गिरह कुशा है नाराजी न साहिबे कशाब। ये अजीम शान इजलास और इसकी रौनक और चमक दमक सिर्फ और सिर्फ उस किताबुल्लाह की अजमत को बयान करने के लिए है जिसके बारे में कुरान ने खुद कहा है, लौ अनजलना हादल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिल्कल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। कुरान की वो तासीर है कि पत्थर भी उसे सुनकर मोम हो जाता है। कुरान की वो तासीर है जिसने अरब के संगलाख जमीन को, वहां के बद्दुओं को, वहां के तुंद मिजाज लोगों के अंदर नरमी, उखुवत, भाईचारगी की फिजा पैदा कर दी। इसीलिए कुरान करीम ने साफ कहा है कुंतुम अला शफा जुरुफिन के तुम लोग एक ढहने वाले किनारे पर थे लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत व मवद्दत को इसी कुरान करीम के जरिए कायम कर दिया। तो कुरान के अंदर वो तासीर है कि पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहने वाले अफराद के अखलाक कैसे थे, वो कैसे तुंद मिजाज थे, वो कैसे खुखार और गजबनाक थे। लेकिन कुरान करीम ने उन पत्थर दिल लोगों को, संग दिल लोगों को मोम दिल बना दिया और वो इस काबिल हुए कि इस कुरान की अजमत को लेकर दुनिया के कोने कोने के अंदर फैल गए। आज इसी उसी कुरान करीम की अजमत बयान करने का दिन है। उसी कुरान करीम की अजमत और बरकत और अल्लाह ताला की रहमत से उठाने फायदा उठाने का दिन है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देर किस बात की है, आइए आप स्टेज के करीब तशरीफ ले आइए क्योंकि कुरान करीम के जरिए ही जिंदगी हमारी जिंदगी का कायापलट हो सकती है। उसके बगैर हमारी जिंदगी नाकाम व नामुराद है। हजरत सामईन, वो लोग नहायत ही मुबारक व मसऊद हैं जिन लोगों ने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, जिन लोगों ने जामिया की दावत को कबूल फरमाया, जिन लोगों ने जामिया के दावत पर अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया, जिन लोगों ने इस इजलास के ताउन के लिए अपना जान, अपनी जान माल और तन मन धन की बाजी लगाया, तमाम के तमाम हजरात शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं तमाम लोगों से नहायत ही अदब के साथ एहतराम करता हूं कि आप स्टेज के करीब तशरीफ फरमा हो ताकि जलसे को की कार्रवाइयां शुरू करने में देर न लगे। जो लोग बैठे हैं वो नहायत ही
खुशकिस्मत हैं और उन्हें दाद देने को दिल चाहता है। और जो लोग इधर उधर बैठ खड़े होकर बातें कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज के करीब तशरीफ फरमा हो, तशरीफ ले आए ताकि स्टेज की रौनक बढ़े, क्योंकि स्टेज की रौनक आपके जरिए है। आपके बगैर ये इजलास भी नाकाम और ना मुराद होगा अगर आपने इसका साथ नहीं दिया। मैं आप हजरात की शान के अंदर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। अगर आप ही नहीं आए तो फिर इस रात की क्या औकात रहेगी। इस रात की औकात को बनाने के लिए आपकी हिस्सेदारी और आपका अज़्म इस्तिक़लाल, आपकी साबित कदमी और आपका जुमूद जो है नहायत ज़रूरी है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज के करीब तशरीफ ले आए ताकि जलसा की कार्रवाइयां शुरू करने में और देर न लगे। इस दरमियान मैं जामिया के अंदर मुनाकिद होने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक नातिब नात खानी का मुकाबला भी था। उसके अंदर मदरसा सैयदना मुआज़ बिन जबल जो बतरौली के अंदर कायम है वहाँ के तलबा भी आए हुए थे। मैं उनमें मोहम्मद मुआज़ को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهر محبت وشهر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنا कुछ घर में छोड़ा तो सी
अस्सलाम वालेकुम।